हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं दवन पेज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम किस तरह से बोगनवेलिया के ऊपर पूरा वर्क करते हैं, किस तरह से बोगनवेलिया को एस फ्लावर लाने पर मजबूर करेंगे, क्या सॉइल मिक्सचर रहेगा, किस तरह का पॉट देना चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा होना चाहिए बोगनवेलिया पॉट के लिए, वाटर रिक्वायरमेंट, सनलाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोगनवेलिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, क्योंकि दोस्तों ये साल भर में करीब करीब 8 से 9 महीने तक ये फ्लावरिंग देता है। अगर आपके प्लांट फ्लावर नहीं कर रहे हैं तो आप करने लग जाएंगे, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफ्टिंग से रिलेटेड, सनलाइट कैसी चाहिए, प्रूनिंग करनी है या नहीं करनी है, उसको फर्टिलाइज़र कितना देना है, लोकेशन क्या होगी, पॉट कैसे सेलेक्ट करना है, वाटरिंग कैसे देनी है, सॉइल मिक्सचर क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों हमारा बोगनवेलिया को कटिंग से कैसे ग्रो करा जाए। और यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखना मल्टीपल कटिंग्स ग्रो करना, अगर सिंगल कटिंग ग्रो करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट ना मिले, इसलिए कोशिश करें कम से कम 4 से 5 ब्रांचेज आपके पास जरूर हो। जब भी दोस्तों हम कटिंग लगाते हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं हमारी कटिंग की रूट्स बहुत जल्दी फैल जाए और कटिंग 100% रिजल्ट दे, उसके लिए लूज सॉइल मिक्सचर बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 70% हम कोकोपीट और बचा हुआ 30% हम सैंड यूज़ करेंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं आपकी कटिंग 100% रिजल्ट दे तो रूटिंग हार्मोन का यूज़ डेफिनेटली करें। एक वाटर में थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन डाल दें और अपनी सारी की सारी कटिंग उसमें रख दें, ताकि थोड़ा सा रूटिंग पाउडर वो एब्जॉर्ब कर लें और उनके अंदर रूट प्रोड्यूस करने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए। चलिए कटिंग ग्रो कर देते हैं और पॉट में सबसे पहले हम वाटर डालेंगे। इससे दोस्तों पहले से ही हमारी सॉइल वाटर काफ़ी सारा एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारी कटिंग इधर उधर हिलेगी नहीं, और कटिंग को फिर से हम रूटिंग हार्मोन का यूज़ करके ही ग्रो करेंगे, इससे हमें 100% रिजल्ट मिलता है। ये तो हो गई पत्ती कटिंग्स की बात, हम दोस्तों मोटी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। एक दो वीडियो हमारे पहले से अवेलेबल है और कुछ कटिंग हमने ये ग्रो कर रखी है, ये आप सैंपल देख लें। आने वाले कुछ दिनों में मैं इनका वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा, तो हमसे कनेक्टेड रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब दोस्तों मोटी कटिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम उसको बॉन्साई बहुत जल्दी बना सकते हैं, जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 यही है कि हमारे बॉन्साई के ऊपर हैवी फ्लावरिंग कैसे लेकर आएँ, उसको ऐसा क्या डालें फर्टिलाइज़र कि हमारा बोगनवेलिया फुल ब्लूम पे आ जाए, सारी लीफ हमारी हट जाए और फ्लावर ही फ्लावर नज़र आए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2 फर्टिलाइज़र शेयर करूँगा। सबसे पहले तो है दोस्तों हमारा एक्चुअल फर्टिलाइज़र, जो हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र वाले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था, वही सेम फर्टिलाइज़र यूज़ करना है आपको। आपको एक्शन लेने हैं, क्रश करना है और पानी के अंदर घोल के रख देना है 24 घंटे के लिए। 24 से 48 घंटे में ये अपना सारा न्यूट्रिएंट डिसॉल्व करेगा वाटर के अंदर, और उसके बाद आप अपने बोगनवेलिया प्लांट के अंदर ईजिली दे सकते हैं। एंड दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है, हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके साथ साथ हेल्दी भी है। तो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो होने के लिए एक्चुअल फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, ये सारे ज़रूरी होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं, बट सॉलिड जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनको हमें दोस्तों सॉइल को शफल करके ही देना होता है। या तो आप सॉइल की गुदाई करके उन्हें देते हैं, या फिर आप अपनी पुरानी सॉइल को रिमूव कर सकते हैं गुदाई करने के बाद, और फिर नया फर्टिलाइज़र और न्यू सॉइल ऐड कर सकते हैं। बोगनवेलिया प्लांट के लिए वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र भी बहुत उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि ये प्लांट की ब्रांचेस को स्ट्रांग रखता है और प्लांट की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। अगर काउडंग कंपोस्ट का रिजल्ट आपको बहुत फास्ट देखना है तो आप काउडंग को आप पानी में डिसॉल्व करके रखें 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद उस लिक्विड को आप अपने बोगनवेलिया प्लांट को दें, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा और प्लांट आपका फ्लावर से भर जाएगा, जो आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों सनलाइट रिक्वायरमेंट। हमारे बोगनवेलिया प्लांट को सन बहुत पसंद है, इसको पानी भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बट अगर इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा और इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो प्लांट को हमेशा आप सनलाइट में रखें, कम से कम 4 से 5 आवर की सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट आनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट से हमारा प्लांट भी नहीं मरेगा और ये और ज़्यादा हेल्दी ग्रो होगा। आप चाहे तो पानी इसको 10 दिन में एक बार दीजिए, बट इसको सनलाइट आप कम से कम 5 घंटे ज़रूर दें। अभी हमारे सारे के सारे बोगनवेलिया हैवी फ्लावरिंग पर है, क्योंकि दोस्तों इनको फुल सनलाइट पे हमने रखा हुआ है।
नंबर फोर है फर्टिलाइज़र। हमारा बोगनविले अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो हम कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र है जो उसको दे सकते हैं जिससे वो हैवी फ्लावरिंग करे और प्लांट में भरकर फ्लावर आए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे फर्टिलाइज़र देना है और कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं हम। सबसे पहले तो हमें दोस्तों जितने भी वीड्स वगैरह उग रहे हैं हमारे बोगनविले की बेस में वो सब रिमूव करने होंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर टॉप लेयर की सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी सॉइल को इनफर्टाइल बना देते हैं। आप चाहें तो टॉप लेयर की सॉइल को गुदाई करके रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं जिससे हमारी सॉइल बिल्कुल फ्रेश हो जाए, न्यू हो जाए, स्टरलाइज हो जाए सनलाइट में रखने के कारण। वैसे तो बोगनविले के ऊपर फंगस अटैक नहीं होता है, बट फिर भी अब रूट्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप नीम खली, नीम केक यूज़ कर सकते हैं। उसका बहुत बारीक चूरा करके आप अपने बोगनविले के बेस में डाल दीजिए। उसके बाद हम लेंगे दोस्तों 50% फ्रेश सॉइल और 50% काउडंग कंपोस्ट। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। कोशिश करिए आपका काउडंग हो, फुल्ली डिकम्पोज हो, और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर चेक करना। बस इतना सा प्रोसेस था और अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है अपने प्लांट को सनलाइट में रखकर। मैं आगे आपको बताऊंगा वाटरिंग कैसे करनी है, उससे पहले एक और फर्टिलाइज़र हम देख लेते हैं। सारे के सारे फर्टिलाइज़र स्लो रिलीजिंग है, बट मस्टर्ड केक स्लो रिलीजिंग के साथ साथ फ्लावर बूस्टर भी है, तो ये लंबे समय तक बोगनविले को फ्लावर प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करेगा। चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। एक जार में आप मस्टर्ड केक के 100 से 200 ग्राम के आसपास ले लीजिए और बस आपको वाटर डालना है और एक दिन में ये अपना मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। हमारे बोगनविले फ्लावरिंग के लिए दोस्तों मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र रेडी हो चुका है। चलिए हमारे प्लांट में डाल देते हैं। हमारा बोगनविले पहले से ही सनलाइट में रखा हुआ है तो ये अपना प्रोसेस कर रहा है और हम इसको एडिशनल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ताकि ये और भी ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करे। ये रहा दोस्तों इसका रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट देख के आप शॉकिंग होने वाले हैं, क्योंकि गुच्छों में एक तो फ्लावर आ रहा है और हमारे पिंक फ्लावर के साथ साथ आपको वाइट कलर के फ्लावर भी नज़र आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमने ज्वाइन करे हैं टू बोगनविले टुगेदर, जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से करना है। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों दोनों साथ में, और ये एक अनोखा कुदरती तरीका है दोनों प्लांट को साथ में लगाने का, और एक ग्राफ्टिंग टेक्निक होती है दोस्तों जो ह्यूमन मेड होती है, बट ये वाली टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोगनविले को वाटरिंग देने की भी टेक्निक होती है दोस्तों। अगर ज़्यादा वाटर दे दिया तो ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग बंद कर देगा और लीफ प्रोड्यूस करने स्टार्ट हो जाएगा, तो कोशिश करें आप एवरी 5 to 6 डेज में आप इसे वाटर दें। अगर गर्मियाँ पड़ रही है तो एवरी 3 डेज में दें, रोज़ वाटर ना दें। अगर रोज़ वाटर देंगे तो ये फ्लावर प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, और टाइम टाइम पर फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। नंबर 6 से दोस्तों जॉइनिंग टू बोगनविले टुगेदर। यहाँ पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने रेड और वाइट करा था, अब यहाँ पर हम ऑरेंज और पिंक कर रहे हैं। देखते हैं इनका रिजल्ट क्या रहता है। चलिए ज्वाइन कर लेते हैं दोनों बोगनविले को। तो यहाँ पर हमें दोनों पॉलीबैग को रिमूव करना है, और आप कोशिश करें आपकी प्लांट की रूट बिल्कुल भी न टूटे। उसके लिए आप वाटर का यूज़ करेंगे और सारे की सारी रूट को फ्री कर देंगे। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सिंपली टूल की मदद से आपको धीरे धीरे सॉइल रिमूव करनी है, और धीरे धीरे करके अब प्लांट सारी सॉइल छोड़ देगा। एक बार सारी सॉइल क्लियर हो जाए उसके बाद आपको दोनों बोगनविले को टाई अप करना है एक साथ। आप चाहें तो जूट की रस्सी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और भी रस्सी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग मत करना। ऊपर से नीचे तक अच्छे से टाई अप कर दीजिए, और ध्यान रखिए ये पूरा प्रोसेस आपको शेडी एरिया में करना है, और कोशिश करें ये काम आप थोड़ा सा 4 o'clock के बाद करें, इससे आपका बोगनविले 100% लाइव रहेगा, मरेगा नहीं। चलिए पॉट में डाल देते हैं और वाटर पिला के हमारा वर्क कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये मेथड अच्छा लगा, और क्या ये आप मेथड ज़रूर ट्राई करेंगे या नहीं, या फिर आप ग्राफ्टिंग करेंगे जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। नियरली 1 month का अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बोगनविलिया हेल्दी होता जा रहा है, और दोनों ही प्लांट अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। एक ने तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और टाइम का अपडेट। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इतने अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करने में, कंटेंट सोचने में,
तो आप अगर लाइक करेंगे तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। हमारे बोगनविलिया को अब सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम एक स्टिक की मदद से इसे टाई अप करेंगे और दोनों ब्रांचेस को फिर से मर्ज करेंगे, एक साथ रखेंगे, ताकि अगर फ्लावरिंग आए तो ये बहुत खूबसूरत लगे। एंड दोस्तों, आफ्टर 2 मंथ हमारे दोनों बोगनविलिया काफ़ी अच्छी सक्सेस रेट से ग्रो हो रहे हैं और फ्लावरिंग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दोनों ने साथ में भी फ्लावर प्रोड्यूस कर लिया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, इनकी ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट है जो हम थोड़ी देर में करेंगे, बट फिलहाल आप इनकी फ्लावरिंग को इन्जॉय करें। चलिए ट्रिम कर देते हैं हमारे बोगनविलिया को और इसको फिर से एक कॉम्पैक्ट बोगनविलिया बना देते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और चलिए देख लेते हैं और सीख लेते हैं कैसे करते हैं बोगनविलिया में ग्राफ्टिंग। पॉइंट नंबर 7 है ग्राफ्टिंग। यहाँ पर बोगनविलिया की ग्राफ्टिंग करना आसान है, आप कर सकते हैं, बट सही समय का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है फरवरी का मंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट में बहुत सारी ग्रोथ हो रही है, कोशिश करें उस ग्रोथ को सबको कट कर दें और एक ब्रांच सेलेक्ट कर लें। तो हमने इस ब्रांच को सेलेक्ट करा है जिस पर ऑलरेडी ग्रोथ स्टार्ट है, तो इसे हम कट करेंगे और एक वी शेप ग्राफ्टिंग करेंगे जो 99% सक्सेसफुल रहती है। तो हमने यहाँ पर ब्रांच की लेंथ थोड़ी सी कम कर दी है। अब यहाँ पर आप या तो फ्रेश टूल का यूज़ करें या फिर अपने टूल को स्टरलाइज कर लें, और बहुत ही शार्प टूल का होना बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करें 10 रुपये का फ्रेश कटर ही ख़रीद लें आप। बस आपको इस तरह से आपको प्रेशर से स्प्लिट करनी है इस ब्रांच को, और एक अलग कलर की ब्रांच सेलेक्ट करनी है। हमने यहाँ पर रेड कलर के फ्लावर वाली ब्रांच सेलेक्ट करी है, जो कि थीमा वेराइटी है, जिसकी लीफ वाइट कलर की आती है और ब्रांच की मोटाई लगभग लगभग सेम होनी चाहिए। हमें ज़्यादा बड़ी ब्रांच को कभी भी ग्राफ्ट नहीं करना है, कम से कम 3 to 4 inches की ब्रांच होगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। चलिए, हमने कट कर दी हमारी ब्रांच, अब इसका वी शेप कट कर देते हैं और इसे उस हमारे वी शेप में फिट कर देते हैं। तो आपको शार्प टूल का ही यूज़ करना है, हमारी कटिंग बहुत फटाफट से वी शेप में कट जाएगी। कुछ इस तरह का शेप लेना है और बस आप अपनी ब्रांच को अंदर की तरफ स्लाइड कर दें। अब दोस्तों, हमारी ग्राफ्टिंग तो हो चुकी है, अब हमारी ग्राफ्टिंग ख़राब ना हो जाए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ग्राफ्टिंग टेप। ग्राफ्टिंग टेप यूज़ करने से दोस्तों, एक तो ये एयर टाइट हो जाता है, तो फंगस वगैरह लगने की प्रॉब्लम नहीं होती है, ना हमारा एक्स्ट्रा वाटर इस कटिंग के बीच में जाता है, और ना ही हमारी कटिंग ड्राई आउट फील करती है। ग्राफ्टिंग करने के बाद आप अपनी ग्राफ्टिंग को हमेशा पॉलीबैग से कवर करके रखें, इससे दोस्तों आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी और यहाँ पर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और आपको ग्रोथ नज़र आएगी। यहाँ पर दोस्तों, हमारे पास 2 बोगनविलिया फ़िलहाल तो अवेलेबल है, जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, बट ये भी फ्लावरिंग पर है और आने वाले 1-2 साल में ये अपना शेप ले लेंगे। एट नंबर का पॉइंट है सॉइल मिक्सचर। अब यहाँ पर दोस्तों, अब ये पूरा पॉइंट ध्यान से सुनना, हम बात करेंगे कैसे बोगनविलिया को रिपोर्ट करना है ताकि वो लंबे समय तक फ्लावरिंग दे और लंबे समय तक ग्रो भी होता रहे और अपने आप को बुशी बना के रखे। सबसे पहले तो जब भी आप बोगनविलिया प्लांट परचेस करते हैं, तो ऐसा प्लांट परचेस करें जिस पर फ्लावरिंग आ रही हो और उसके ऊपर लीफ एक भी ना हो। तो इससे होगा ये दोस्तों कि आपके जब प्लांट पर फ्लावर्स आएंगे, तब आपके प्लांट में एक भी लीफ नहीं होगी और वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर हमारा सॉइल मिक्सचर रेडी है दोस्तों। यहाँ पर 30% काउडंग कंपोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, 20% सैंड यूज़ कर रहे हैं और बचा हुआ 50% गार्डन टॉप सॉइल, जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट होती है। पॉट सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप जितना बड़ा पॉट लेंगे उतना बोगनविलिया ज़्यादा फैलेगा और ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक का पॉट लिया है जिसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल है, उसको हमने कवर कर दिया है न्यूज़पेपर से और अब फिल कर देंगे हमारे सॉइल मिक्स से। सबसे पहले बेस पे हम डालेंगे थोड़ी सी सैंड, जिससे एक्स्ट्रा वाटर होल्ड ना हो और सारा का सारा वाटर निकल जाए। पॉट को हाफ फिल करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी गोबर खाद या फिर डिकम्पोज काउडंग।
इससे दोस्तों बोगनविले को काफ़ी एनर्जी मिलेगी फ्लावर प्रोड्यूस करने में, और ये आपको एक से डेढ़ मुट्ठी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद दोस्तों फ्लावर बूस्टर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं नीम खली, ये 100 से 200 ग्राम के आसपास डाल सकते हैं जैसा आपका पॉट का उस साइज़ में। अब आपको रूट बॉल को बिखेरना नहीं है और सिंपली आपने बोगनविले प्लांट को लगा दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हेल्दी रूट सिस्टम है इसका, मतलब प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है। चलिए पॉट हमारा फिल हो चुका है, अब इसको समय आ गया है वाटर देने का, और वाटर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो अच्छे से वाटर दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम आप अच्छा सा मेंटेन करके रखें गेप को, तो आपको फ्लावरिंग और ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, ब्लू और रेड कलर, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए इसे कॉम्पैक्ट कर देते हैं और इसकी थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कर देते हैं जिससे ये और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग तो है बट हमें बुशी चाहिए, तो बुशी करने के लिए आपको एक तो इसे कॉम्पैक्ट बनाना होगा, तो आप जिप लॉक का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी रस्सी का यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करके ब्रांचेस फेंक मत देना, क्योंकि हमने पॉइंट नंबर 1 में यही सिखा है कि कटिंग को कैसे ग्रो करते हैं। होप कि दोस्तों आपको ये 8 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे, काफ़ी ज़्यादा फैक्टफुल लगे होंगे, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और ये जो कटिंग चल रही है सामने इसका वीडियो जल्द से जल्द चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को 3000 लाइक, हाँ जी हमारा टारगेट है 3000 लाइक, उसको पूरा ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।